हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू यूट्यूब चैनल आरएम कोचिंग कैंपस। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है राज गुप्ता और आज बच्चों की डिमांड पर और आप सभी की डिमांड पर दोस्तों मैं लेके आया हूं यहां पर अपना मैथ्स का नया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि एकदम से प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने का मेरा मोटिव क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि काफी सारे चैप्टर्स मैथ्स में ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मैं बता दूं बहुत ज्यादा टिपिकल टाइप के हैं, थोड़ा सा मतलब बच्चे उनसे उन्हें उनके क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो मैं पहले मेरा जो टारगेट है मैं सब उन्हीं चैप्टर्स को कवर कराऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी आपकी परसेंटेज की भी यूज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ परसेंटेज की वैल्यूज की, तो मैं यहाँ पे वो आपको सिखा दूंगा अच्छे से, इससे आप अच्छे से कर पाए प्रॉफिट एंड लॉस में उसका यूज कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद मैं एडवांस का चैप्टर नंबर सिस्टम और एलजेब्रा कवर करवाने जाऊंगा दोस्तों। उसके बाद हम अर्थमेटिक के चैप्टर्स और आगे बढ़ेंगे जिसमें हम टाइम एंड वर्क करेंगे, हम पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क जैसे ही वैसा उसे भी करेंगे। उसके बाद हम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, स्पीड के तीनों चैप्टर स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम ट्रेन एंड बोट एंड स्टीम ये भी कवर करेंगे। तो ऐसे करके मैं पहले वही चैप्टर कवर कराऊंगा दोस्तों जिनमें बच्चे थोड़े से क्वेश्चंस करने में हिचकिचाते हैं दोस्तों। बाकी ये जो इजी चैप्टर्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं परसेंटेज हो गया आपका, पार्टनरशिप हो गया आपका और एवरेज हो गया आपका, ये छोटे मोटे चैप्टर्स आपके आगे हमारे आने वाले टाइम में कवर होते रहेंगे। लेकिन पहले जो एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो मेन टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो पहले हम टॉपिक वही स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो इसलिए आज मैं उसी के साथ पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले, तो कहीं ना कहीं मैं कुछ वैल्यूज की जानकारी होनी चाहिए जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में वैल्यूज का यूज करेंगे। वो वैल्यूज आपकी कुछ नहीं तो परसेंटेज की ही वैल्यू है सारी। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको परसेंटेज के बारे में बता दूं। अगर मैं बात करूं सपोज दैट 25%, मैंने बात की 25%, तो आप सभी को बताओ 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 मतलब 1/4। ठीक है, अगर मैं बात करूं 4%, ये हम कहते क्या है कि हमारी नीचे वाली जो वैल्यू होगी हमारी, वो हमारे लिए क्या है दोस्तों, ओरिजिनल वैल्यू। नीचे वाली वैल्यू हमारे लिए होगी ओरिजिनल वैल्यू, और ऊपर वाली जो भी वैल्यू होगी वो हमारे लिए क्या होगा दोस्तों, रिजल्ट। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा नीचे वाली वैल्यू हमारे लिए ओरिजिनल वैल्यू, ऊपर वाला हमारे लिए क्या है दोस्तों, रिजल्ट है। अगर हम 4 का 25% निकालने जाएंगे तभी तो हमारे लिए क्या आएगा। देखिए, 4 का 25% अगर हम निकालेंगे, 25 × 24 4 से 4 काटा, मैंने वैल्यू कितनी है मेरे लिए, तो आपने देखा ना 4 का 25% निकाला मैंने कितना है। तो मैंने क्या कहा, नीचे वाली वैल्यू मेरे लिए क्या है, ओरिजिनल वैल्यू, और ऊपर वाला हमारे लिए क्या होगा, रिजल्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और ऑप्शन दूं आपको, फॉर एग्जांपल मैंने किया 50% की अगर मैं बात करूं वैल्यू होती 1/2। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, ओरिजिनल वैल्यू, और ये हमारे लिए क्या है दोस्तों, रिजल्ट। अगर मैं 2 का 50% निकालने जाऊंगा तभी तो हमारे लिए आएगा ना, 2 का 50% क्या आएगा मेरे लिए, तो हमेशा ध्यान रखिए नीचे वाली हमारे लिए क्या होगी, ओरिजिनल वैल्यू। और अगर मैं बात करूं दोस्तों वैल्यूज की, तो कहीं ना कहीं इन वैल्यूज को याद रखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो बहुत इजी वैल्यूज है, 25% हुआ, 50% हुआ, ऐसे करके कई सारी वैल्यूज और है जो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग यूज करते हैं। तो आइए मैं कुछ वैल्यूज यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके बेसिस पे फिर अपन आगे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बता दूं प्रॉफिट एंड लॉस मैं जो कराऊंगा, जिस हिसाब से मैं कराऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें मैं जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते होंगे आपके एग्जाम में, सभी टाइप के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको। बकायदा हेडिंग्स में डलवाऊंगा कि किस हेडिंग के अंदर कौन सा मैं क्वेश्चन करना है, जिससे कि बच्चों आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो आशा करता हूँ यहाँ से आपको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर जो हमारा है, जो मैं स्टार्ट करूंगा दोस्तों, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और जब आप उसे किसी भी बुक से लगाएंगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं 1/2 तो 1/2 हमें पता है कितने परसेंट की वैल्यू होती है दोस्तों, 50% की। अगर मैं बात करूं 1/3 तो हमें पता है किसकी वैल्यू होती है, 33/3% की। अगर मैं बात करूं 1/4 तो ये हमारे लिए किसकी वैल्यू होती है दोस्तों, 25% की। अगर मैं बात करूं दोस्तों 1/5
तो हम सभी को पता है वैल्यू इसकी होती है दोस्तों 20% की। अगर मैं बात करूं 1/6 तो हमें पता है ये वैल्यू मान ली किसकी होती है दोस्तों 16 वोल्ट 2/3% की। अगर मैं बात करूं 1/7 तो हमें पता है ये वैल्यू इसकी होती है 14 वोल्ट 2/7% की। अगर मैं बात करूं 1/8 तो हम सभी को पता है ये वैल्यू इसकी होती है दोस्तों 12 वोल्ट 1/2% की। अगर मैं बात करूं 1/9 तो हमें पता है ये वैल्यू होती है 11 वोल्ट 1/9% की। और अगर मैं बात करूं 10% तो 10% सॉरी अगर मैं बात करूं 1/10 तो ये वैल्यू दोस्तों इसकी होती है 10% की। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें 1/11 तो हमें पता है 1/11 जो वैल्यू होती है 9 वोल्ट 1/11% की। ये जितने भी फ्रैक्शन दोस्तों मैं लिख रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ इन सभी की आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। मैं भी आपको एक करके भी दिखाऊंगा कैसे मैंने बनाते कैसे मैंने कैसे कह दिया कि 9 वोल्ट 1/11% की 1/11 होती, कैसे मैंने कह दिया 12 वोल्ट 2% की 1/8 होती, कैसे मैंने कह दिया 11 वोल्ट 9% की 1/9 होती, कैसे होती है वैल्यू, मैं आपको करके भी बताऊंगा। ये सब परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अब ये सभी वैल्यूज क्या है आपके क्वेश्चन में पूछी आती है, ठीक है। तो मैं ज्यादा वैल्यू की थोड़ी बहुत वैल्यूज है और अगर कहीं और वैल्यू देंगे तो उन्हें सॉल्व भी कर लेंगे दोस्तों। आइए हम सीखते हैं थोड़ा सा वैल्यूज का खेल क्या है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं 50% तो 50% को मैंने कह दिया क्या है 1/2 है, ये अभी छोड़िए से मैंने कहा 1% आपको क्यों कहना 50%, इस परसेंटेज को आपको कन्वर्ट करना है दोस्तों किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन में आते हैं, जब भी हम किसी भी परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें हमेशा 100 से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे 50% तो अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 50 को 100 से क्या करना पड़ेगा दोस्तों डिवाइड, तो हमारे लिए जो वैल्यू निकल गई वैल्यू कितनी होगी 1/2, मतलब 50% की वैल्यू मानी कितनी होगी दोस्तों 1/2, ठीक है। अगर हम बात करूं 25% तो 25% को मैंने आपसे कह दिया भाई से किसमें बदलो, फ्रैक्शन में बदलो, तो हमें क्या करना पड़ेगा 25 को 100 से डिवाइड, तो हमें ऐसे लिखेंगे ना 25 अपॉन में कितना 100, तो वैल्यू मानी कितनी आएगी दोस्तों 1/4। अब जैसे हमने यहां पर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, यहां पर परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ऐसे मैंने आपसे कह दिया बताओ भाई 12 वोल्ट 1/2% को हमें किसमें कन्वर्ट करना दोस्तों फ्रैक्शन में। तो देखिए 12 वोल्ट 1/2% को आपको किसमें कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में, तो 12 का कितना होगा, पहले तो मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे दोस्तों सिंपल फ्रैक्शन में, तो 12 का कितना होता 24/1 25, तो मतलब हमारे लिए वैल्यू हुई कितनी हुई 25/2%। अब हमें परसेंटेज का साइन हटाना, तो परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 100 से भाग करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे इसी को आगे देखिए 25/2 अपॉन में क्या होगा दोस्तों 100। अब 100 के नीचे कुछ नहीं, हमने क्या मान लिया ना 1 मान लिया हमने, इस 100 का मल्टीप्लिकेशन यहां पे इसी का मल्टीप्लिकेशन यहां पे, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी 25/200। अगर आप 25 से 200 काटेंगे तो नीचे कितना आएगा 8, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 1/8। आशा करता हूं यहां पे आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक और हम करके देखते हैं दोस्तों 11 वोल्ट 9%। देखिए मैंने कहा आपसे 11 वोल्ट 9%, 11 वोल्ट 9% को अगर हम पहले सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 11 9 99/100, मतलब ये जो फ्रैक्शन बनेगा मानी 100/9%, देखिएगा 100/9%। अब मैं इसे कन्वर्ट करना इसमें फ्रैक्शन में, तो परसेंटेज का साइन हटाने के लिए मैं 100 से क्या करना पड़ेगा भाग, तो हमें ऐसे लिखेंगे 100/9/100/1, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन ऊपर, तो मैंने जो वैल्यू हुई कितनी हुई 100/900, 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे वैल्यू कितनी 1/9। आशा करता हूँ आपको मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हम सिंपल में कन्वर्ट करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों, कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन वाले परसेंटेज होते हैं इन्हें हम कैसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप वीडियो को थोड़ा सा रिमाइंड करके देखेंगे तो आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी दोस्तों। ये कहीं ना कहीं जितनी वैल्यूज मैंने लिखी है, चाहे वो 50% हो चाहे 33/2% हो, ये सारी वैल्यूज आपके कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में यूज होने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी इन वैल्यूज को नोट कर लें पहले, तो उसके बाद फिर हम थोड़े से फॉर्मूले की तरफ रुख करते हैं। और मैं बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर हो चाहे हमारा अर्थमेटिक का कोई सा भी चैप्टर हो दोस्तों,
एक भी चैप्टर हमारा फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम फॉर्मूले पुट करके उसे सॉल्व कर पाए। जहां पे हम फॉर्मूले का यूज करेंगे तो वहां पे भी हम फॉर्मूले का यूज इसलिए करेंगे दोस्तों कि हमें सिर्फ और सिर्फ टाइम को बचाना है, और अगर हमारे फॉर्मूले से भी जल्दी आंसर आ रहा है तो क्यों ना हम फॉर्मूले का यूज करें। इसलिए हम उस जगह पे फॉर्मूले का यूज जरूर करेंगे जहां पे रिक्वायरमेंट अगर हुई फॉर्मूले की, नहीं तो 80% क्वेश्चन हमारे बिना फॉर्मूले के ही सॉल्व होंगे, सारे ट्रिक पे बेस्ड होंगे दोस्तों और सारे कॉन्सेप्चुअल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझें, और अगर आपको समझ में नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर वीडियो को थोड़ा सा रिमाइंड करके देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो दोस्तों, हर चीज हमें कैलकुलेट करनी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें दोनों चीजें कैलकुलेट किस पे करी जाती है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, दोनों ही चीजें कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है, और कॉस्ट प्राइस को हम मोस्टली केसेस में कितना मानेंगे दोस्तों? 100। कॉस्ट प्राइस को हम मोस्टली केसेस में क्या मानेंगे दोस्तों? 100। अब देखिए, मैं पहले बता दूं प्रॉफिट होता कब है और लॉस होता कब है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा मैं गया मार्केट, ठीक है, मैं गया मार्केट और मैंने एक शर्ट खरीदी कितनी दोस्तों? 100 रुपए की। ठीक है, मैंने कहा ना कॉस्ट प्राइस हमें ज्यादातर कितनी माननी है? 100। तो मैं गया मार्केट, मैंने कॉस्ट प्राइस मैंने 100 रुपए की क्या खरीदी? शर्ट खरीदी। अब जैसे मैं शर्ट खरीद के घर आया तो मेरा एक दोस्त आ गया था वहां पे, और दोस्त ने कहा यार ये शर्ट हमें अच्छी लग रही, तो भाई हमने दोस्त को शर्ट बेच दी। अब दोस्त को जब हमने शर्ट बेची, कितने की बेची दोस्तों? 120 रुपए की। अब मैं खरीद के कितने लाया था? खरीद के मैंने लाया था कितने में? 100 रुपए में, मतलब कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी थी? 100 रुपए। और मैंने बेचा कितने में? 120 में। तो सेलिंग प्राइस कितनी हुई मेरे लिए? 120। तो हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या हो? बड़ी हो। जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी हो तो हमें हमेशा क्या होता है दोस्तों? प्रॉफिट। तो अगर हम बात करें मैं प्रॉफिट कितने का हुआ दोस्तों? 20 रुपए का। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 रुपए का। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं शेयर लेके आया था कितने की? 100 रुपए की। ठीक है, कॉस्ट प्राइस थी कितनी? 100 रुपए। और मैंने घर आया, अब दोस्त जो था मेरा जिगरी यार था, मैंने थोड़ा सा नुकसान खा के उसे शर्ट बेच दी कितने में? 80 रुपए में। 100 रुपए की शर्ट थी, 80 रुपए में बेच दी, तो 80 रुपए मेरे लिए क्या होगी दोस्तों? सेलिंग प्राइस। अगर ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या हो? छोटी हो। देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या थी? बड़ी थी ना। यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है? छोटी। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटी हो तो हमें क्या होता है दोस्तों? लॉस होता है। तो हमें यहाँ पे अगर लॉस की बात करें तो लॉस कितना हुआ दोस्तों? 20 रुपए। ये मैं क्या हुआ दोस्तों? लॉस। और यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों? मैं प्रॉफिट। ठीक है, आज मैं तो आपको यहाँ पे ये चीज प्रॉफिट और लॉस का थोड़ा सा फंडा समझ में आया होगा। अब अगर मैं यहां से बात करूं तो हमारे दो फॉर्मूले तो यही बन गए, एक कौन सा प्रॉफिट का और एक कौन सा लॉस का। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का आप देख रहे हैं सेलिंग प्राइस बढ़ी है ना, कॉस्ट प्राइस क्या छोटी, तो हम कह सकते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? हमारी सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। और यहाँ पे क्या है? लॉस का। लॉस कब होता है दोस्तों? सेलिंग प्राइस क्या हो? छोटी हो। कॉस्ट प्राइस क्या हो? बड़ी हो। तो यहां से कह सकते हैं लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारी सीपी माइनस में एसपी। अब मेरा जो मानना है कि मैं आपको सभी फॉर्मूले लिखवा दे रहा है, यहाँ पे यूज करना हो आपकी मर्जी, ना करना हो आपकी मर्जी, मेरा काम लिखवाना, मैं आपको सारे फॉर्मूले लिखवा दे रहा, लेकिन हम एक भी फॉर्मूले का दोस्तों यूज नहीं करेंगे। आइए हम फॉर्मूले की तरफ थोड़ा सा और रुख करते हैं। मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दिया, हम देखते हैं फॉर्मूले इसके क्या है। आगे बढ़ते हैं, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करूं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अभी मैंने आपको बताया जब सेलिंग प्राइस क्या हो? बड़ी हो। कॉस्ट प्राइस क्या हो? छोटी हो। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला यहां से क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस में सीपी। प्रॉफिट का फॉर्मूला एस माइनस में सीपी। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी हमसे पूछा जाता है प्रॉफिट परसेंट, मतलब कितने का हमें लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट का अगर बात करूं, प्रॉफिट परसेंट का दोस्तों फॉर्मूला होता है आपका प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। ये हो गया आपका प्रॉफिट परसेंट का। ऐसे अगर बात करूं लॉस, तो लॉस का फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका क्या? सीपी माइनस में एसपी। तो ध्यान रखिए, जब भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से क्या हो? बड़ी है। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या हो? छोटे। तो उस केस में हमें क्या होता है दोस्तों? लॉस। तो लॉस इक्वल टू सीपी माइनस में एसपी।
अगर हम आपको लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट होता है आपका लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। ये क्या हो गया हमारे लिए दोस्तों, लॉस परसेंट का फॉर्मूला। अब यहां पे होते हैं सीपी और एसपी के भी फॉर्मूले। अगर हम बात करो सीपी, तो हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी हमें प्रॉफिट हो रहा हो, जब भी हमें प्रॉफिट मतलब क्वेश्चन में अगर आपको गिवन हो कितना प्रॉफिट गिवन हो, तो उस केस में आपका फॉर्मूला जो होता है सीपी का क्या होता है, 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू में सेलिंग प्राइस। ये मायने होता है कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला जहां प्रॉफिट परसेंट गिवन है। एक और फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस का, 100 अपॉन में 100 माइनस में लॉस परसेंट इनटू में सेलिंग प्राइस। ये क्या होता है, यहां लॉस परसेंट गिवन है। ऐसे ही सेलिंग प्राइस के भी दो फॉर्मूले होते हैं, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला जहां प्रॉफिट परसेंट गिवन है, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 इनटू में कॉस्ट प्राइस। ऐसे ही जहां लॉस परसेंट गिवन है, तो एसपी इक्वल्स टू होता है दोस्तों 100 माइनस में लॉस परसेंट अपॉन में 100 इनटू में कॉस्ट प्राइस। ये तो हमारे पास दोस्तों 8 फॉर्मूले, नंबर ऑफ फॉर्मूले कितने हैं दोस्तों, मान लीजिए 8। अब मैं बता दूं, एक भी फॉर्मूला कोई भी काम का नहीं है दोस्तों। बस ये सिर्फ अगर मैं बात करूं से आपके कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, और थोड़ा सा अगर आप पेपर में कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको थोड़े से मदद कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा अगर आपको याद करना तो कर लीजिएगा, बाकी उतार लीजिए, मैं ये कहता हूँ, ये तो कहूंगा मैं आपसे, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझेंगे फॉर्मूले हम पुट कैसे करते हैं और कैसे हम बिना फॉर्मूले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। उतार लीजिए आप पहले से, टेक योर टाइम। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा सा अपना, और आगे बढ़ते हैं। आपको जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, उन फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव में आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने शर्ट का एग्जांपल लिया था ना, हमने कह दिया कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट कितनी है 100 रुपए। हमने कह दिया सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, दो कैसे बता रहा, पहले आपको प्रॉफिट वाला उसके लॉस वाला। सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मैंने कह दी कितनी है 120। अब देखिए सेलिंग प्राइस कितनी है 120, कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 रुपए, डायरेक्ट मतलब कितना प्रॉफिट होगा दोस्तों 20 रुपए का। अब मैंने दो फॉर्मूले लिए, आपको पहले ही बता दिया प्रॉफिट का भी और लॉस का भी। हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट परसेंट की, तो प्रॉफिट परसेंट पे जैसे मैंने आपको लिखवाया था कि प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, ये तो होता है दोस्तों फॉर्मूला आपका, ठीक है। तो हमें कितने परसेंट, कितने का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों 20 रुपए का। और चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, हमें कैलकुलेट किस पे करना पड़ता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20 रुपए का, किस पे हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे। तो हम क्या करेंगे, 20 अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 इनटू में 100। तो यहां से हमें प्रॉफिट परसेंट कितना होगा दोस्तों 20%, हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। अब हम बात करते हैं लॉस की। सपोज दैट हमने कह दिया कॉस्ट प्राइस दोस्तों कितनी है 100 और सेलिंग प्राइस कितनी है दोस्तों 80। अब यहां पे आपको पता होगा कितने का लॉस हो रहा है दोस्तों 20 रुपए का। निकालने के लिए लॉस परसेंट का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। लॉस कितने का होगा दोस्तों 20 रुपए का, कॉस्ट प्राइस कितनी है मान लीजिए 100 रुपए इनटू में कितना होगा दोस्तों 100। 100 से 100 कैंसिल, 20% मान लीजिए क्या है लॉस, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट प्राइस के भी दो फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, सेलिंग प्राइस के भी क्या होते हैं दो फॉर्मूले। अब सपोज दैट इसी क्वेश्चन को अगर हम लेके करें, हमें पता है, देखिए हटा, ये पहले मैं हटा देता हूं थोड़ा सा, देखिए दोस्तों मैंने यहां से क्या हटा दिया, कॉस्ट प्राइस रखी आपके लिए 100 रुपए और सेलिंग प्राइस आपको क्या करनी है दोस्तों फाइंड आउट करनी है। यहां पर आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है और दे रखा है आपको सेलिंग प्राइस 80 रुपए। यहां पर मैं एक चीज और दे रहा हूं आपको कि आपको लॉस परसेंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, लॉस परसेंट आपको क्वेश्चन में दिया कितना है 20%, और फाइंड आउट करनी है हमें क्या कॉस्ट प्राइस। दो चीजें की मैंने आपको, एक सेलिंग प्राइस दी मैंने, लॉस परसेंट कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी। यहां पे आपको कॉस्ट प्राइस दी मैंने कितनी 100 रुपए और प्रॉफिट परसेंट आपको दे दिया हमने कितना 20%, हमें फाइंड करनी क्या सेलिंग प्राइस, ठीक है। एक साइड में बता रहा हूं आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी, एक साइड मैं बता रहा हूं आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करनी। आगे बढ़ते हैं, देखिए फाइंड करना है दोस्तों सेलिंग प्राइस इस वाले केस में, अगर मैं बात करूं इस वाले केस में
आपको फाइंड क्या करना है सेलिंग प्राइस। मैंने सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या लिखवाया दोस्तों कि जब भी आपको कॉस्ट प्राइस दिए हो और प्रॉफिट परसेंट दिए हो, जब भी आपको कॉस्ट प्राइस दिए हो प्रॉफिट परसेंट दिए हो तो हम सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 इनटू में क्या कॉस्ट प्राइस। ये मैंने बताया था कि अब क्या होता है फॉर्मूला। अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे पुट करूं, देखिएगा 100 क्या हो 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट कितना है 20 अपॉन में कितना होगा 100 इनटू में कितना होगा 100। तो देख रहे हैं 100 से 100 क्या होगा कैंसिल, तो वैल्यू कितनी निकल गई अपनी 120 मेरे लिए क्या आ गई दोस्तों सेलिंग प्राइस। अब इसे करने का तरीका आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है नहीं, मैंने तुम्हें बता दूं। अगर हम सॉल्व करेंगे तो जब भी हमें परसेंटेज की बात होती है, हमें दिया गया दोस्तों परसेंटेज दिया है ना, प्रॉफिट परसेंट गिवन है 20%, कुछ भी हो जाए हमें कॉस्ट प्राइस कितनी मान ली 100%। हम कह रहे हैं अगर आपको कॉस्ट प्राइस दी हो, ये तो आपको चलो कॉस्ट प्राइस दे दी वहां पर, लेकिन कॉस्ट प्राइस केवल हम निकाल भी नहीं पाएंगे अगर मैं बात करूँ सेलिंग प्राइस को। लेकिन अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो मैं यहाँ पे परसेंटेज थोड़ी ना कि मैंने कि कॉस्ट प्राइस आपकी 100% है, तो कॉस्ट प्राइस को मानना कितना है दोस्तों आपको 100%। तो मैंने वही कर लिया, मैंने कॉस्ट प्राइस को माना कितना 100%। अब 100% कॉस्ट प्राइस, सपोज दैट मैंने कॉस्ट प्राइस सीपी मान ली कितनी दोस्तों 100%, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस 100% है, जब आप सामान बेचे तो आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कितने बेच रहे होंगे 120 में बेच रहे होंगे, ठीक है ना। तो मतलब आपको पता है 100% के लिए दोस्तों कितनी है 100, आपको निकाली 120 की वैल्यू। तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे रखते हैं अपन ऊपर, जिसकी वैल्यू गिवन होती है उसे रखते हैं अपन नीचे, और कितनी गिवन है मैं 100% की वैल्यू दोस्तों 100, तो 100 से 100 कैंसिल, मतलब हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है दोस्तों 120। हमेशा ध्यान रखिएगा जिस चीज की वैल्यू निकालनी होती है उसे रखता हूं मैं ऊपर, जिसकी गिवन होती है उसे रखता हूं मैं नीचे, और कितनी गिवन है मुझे इस 100% की वैल्यू में कितनी गिवन है 100 ही तो गिवन है ना, तो 100% की वैल्यू कितनी गिवन है 100, मैंने रख लिया यहां पे 100, तो 100 से 100 कैंसिल, वैल्यू कितनी है वाली 120। अब यहां पे आपको ये फार्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने नहीं है ना, हमें सिर्फ इतना सा चीज याद होनी चाहिए कि ऊपर क्या रखना है, नीचे क्या रखना है और यहां पे क्या रखना है, बस बाकी यहां पूरा सॉल्व हो जाएगा। ऐसे में आप इसे भी सॉल्व करना, देखिएगा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी, सेलिंग प्राइस गिवन है कितनी 80 और लॉस परसेंट हमें गिवन है कितना 20%। अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करनी दोस्तों, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हम मानते कितना है, कॉस्ट प्राइस हम कितना मानते 100% मानते ना, मतलब हमें 100% की वैल्यू निकाल ली, 100 को मैंने रखा था ऊपर, ठीक है। अब हमें लॉस परसेंट गिवन है 20, मतलब कोई भी सामान अगर मैं आपसे कहूं आप कोई भी सामान खरीद के लेके आते, मैंने क्या बताया था आपको 100% में आपको भी सामान खरीद के लेके आते, ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी होती 100%। अब आप मैंने मान लिया कि आप एक शर्ट किया 100% पर से खरीद के लेके आए, लेकिन जब आपने बेचा उसे तो आपको कितने परसेंट का लॉस हुआ 20% का, इसका मतलब आपने उसे कितने में बेचा हुआ दोस्तों 80% पे, मतलब और 80% पे बेचा ना आपने, लेकिन क्वेश्चन में आपने कितने बेचा दोस्तों 80 रुपए में, तो मैं कह सकता हूँ ना कि 80% की वैल्यू मुझे पता है कितनी 80 रुपए, और हमें 100% की निकाल दी है, तो 100% की निकाल दी ना, तो 100% को मैंने रखा ऊपर, 80% की वैल्यू पता है कितनी दोस्तों 80 रुपए, तो 80 से 80 मैंने कह दिया कैंसिल, तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस निकली कितनी है दोस्तों 100। आशा करता हूं यहां से आपको ये बात समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई है समझ में तो वही है कि कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाओ, हमें निकालना गया है कॉस्ट प्राइस और हमें गिवन किया है लॉस परसेंट, तो आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था अभी क्या कि कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, हमें लॉस परसेंट गिवन हो तो होता है इसका फॉर्मूला 100 अपॉन में 100 माइनस में लॉस परसेंट इनटू में सेलिंग प्राइस, इसी के अकॉर्डिंग मैं पुट करता हूं 100 अपॉन में 100 में से लॉस परसेंट माइनस करेंगे तो 20 माइनस हो कितना होगा अपॉन में 80 इनटू में कितना होगा दोस्तों 80। देखिए जो मैंने यहां किया है वही मैंने यहां किया, तो क्या अंतर आया, कुछ नहीं, लेकिन बस यही है कि यहां पे आपका एक स्टेप बच गया, टाइम आपका थोड़ा सा बच गया, और कॉन्सेप्ट आपका वही है, तो कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत सरल है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। इसमें जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होंगे दोस्तों मैं सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, और जितने मैं क्वेश्चन कराऊं जितने भी टाइप के क्वेश्चन कराऊं मैं बता दूं, मैंने कुछ देखा था इसमें तो कुछ अप्रॉक्स मिला के 11-12 टाइप के क्वेश्चन थे, तो 11-12 टाइप के क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के आपके हर टाइप के आपके कम से कम 3-3-4-4 क्वेश्चन कराऊंगा, तो ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरा मानना है कि अप्रॉक्स 50-60 क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस के हो जाएंगे, और जिस हिसाब से मैं कराऊंगा या जिस हिसाब से मैं आपको सिखाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, उसके बाद अगर आप किसी भी बुक से उस चैप्टर को लगाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, तो मैं ये दावा कर सकता हूं दोस्तों अगर आपको यहां पे जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगा अगर ये आपको सारे अच्छे से समझ में आ गए तो कहीं ना कहीं आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा, और अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है दोस्तों तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रखा है, और अगर नहीं है आपके पास व्हाट्सएप नंबर तो आप थोड़ा सा आरएम कोचिंग के अंदर फेसबुक पेज हमारा जो है उस पर आके मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप ले सकते हैं,
वहां पे भी आप मुझे डाउट्स भेज सकते हैं, या कमेंट सेक्शन भी है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ही आप हमारे चैनल पे डाउट्स भेज सकते हैं, हम लोग उसे बहुत जल्द ही क्लियर करेंगे और बहुत अच्छे से आपको क्लियर करेंगे दोस्तों। आशा करता हूं यहां पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट फर्स्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन जितने भी मैं कराऊंगा दोस्तों सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, और आप सभी उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, और अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज आप हमसे उन डाउट्स को क्लियर करिएगा। अगर जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें, इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें वाकई में हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, या फिर जो वाकई में आगे पढ़ना चाहते हो, कुछ नया और कुछ हटके सीखना चाहते हो, तो प्लीज हमारी इस वीडियो को, हमारी इस मुहिम को उन तक जरूर पहुंचाएं दोस्तों। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदाई लेना चाहूंगा। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।